अपने घर से निकल सकते ठंडा लेके तो भेज दीदी थोड़ा सा बता देगी ना। ऐसे रहो, एक मिनट एक मिनट।
हमारी शोभा यात्रा के सभी भाई बहनों का बहुत दिल से सभी माताएं स्वागत कर रही हैं। हम सभी तालियां बजा के सभी शांति शांति खड़ा हो जा। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज। मैं हूं मनोज प्रजापति और हमारे बीच में पूर्व प्रत्याशी जो है कापासेड़ा वार्ड से थे अनिल यादव जी। अनिल जी, जैसा कि धर्म का काम हो रहा है, शिवरात्रि के ऊपर ये कलश यात्रा निकाली जा रही है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है, ये हर साल निकलती है अपने कापासेड़ा में और काफ़ी लोग इससे जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक भावना के साथ जुड़ रहा है वो है कि भाई शिव एक परमात्मा है, शिव बाबा। उसके लिए है कि भाई जो विकार है हमारे विचारों में वो उसको त्यागने की बात ये रखते हैं कि भाई वो चीज़ हमारी शुद्ध हो और सद्भावना बनी रहे समाज में, देश में। इसी विषय पे ये कार्यक्रम चल रहा है और जो आज ये कार्यक्रम हर साल शिवरात्रि पे ये निकालते हैं, ये शोभा यात्रा इसलिए निकालते हैं कि काफ़ी लोग अभी जागरूक ही नहीं है इस बारे में, उनको जागरूकता लाने के लिए ये कार्यक्रम हर साल ऐसे ही रखा जाता है। कलश यात्रा सूर्य बिहार हरियाणा ढूंढना मौजूद है और इसके पांच विकारों के बारे में क्या बताएंगे आप? ऐसे है कि जो अपने पांच विकार बताए हैं शास्त्र में, उनके बारे में है कि भाई आप लोग शुद्ध विचार अगर रखोगे तो अपने परिवार में, घर में और समाज में भी शांति बनी रहेगी, और अच्छा अगर विचार है तो सब कुछ अच्छा चलता है, होता है। पाँच विकार हैं, काम जी, आपका क्या नाम? इधर आइए थोड़ा सा। अभय सिंह। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विकारों पर जीत पाने के लिए ये शोभा यात्रा का संदेश देते हैं। अमृत महोत्सव के बारे में जैसे लिखा गया है बैनर पे, परमात्मा के शिव अवतार आज शिवरात्रि है। हाँ, तो इसी उसमें जो है परमात्मा इस धरा पे जो अवतरित हो चुके हैं,
वो अवतरित तो हमने ही तो करने हैं ना, बस सतयुग लाना है तो हमने ही लाना है। जो हमारा काम अच्छे से जो हम पांच विकारों पे जीत पा जाएंगे तो अपने आप जो है सतयुग आ जाएगा। समाज के लिए क्या मैसेज देंगे? समाज के लिए जो हम ये पर बात पीरिया निकालते हैं ना, अकबर सभी जो है हम तो ऐसे बन रहे हैं, आप भी ऐसे बनो। ये आगे मनोज भाई, जैसे कि आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में कलश यात्रा कापाछेड़ा से ढूंढेड़ा में निकाली जा रही है और आसुरे बिहार मौजूद है, क्या कहेंगे इसके बारे में? ये बहुत अच्छी पहल है। सनातन धर्म जो हमारा है वो विश्व में सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन पिछले 20-25 साल से जिस तरह से हम आधुनिकता की होड़ में अपने धर्म को अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, उसी कड़ी में ओम शांति जो ट्रस्ट बना है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लोगों को जागरूक करने का काम किया है और उन्होंने कहा कि सदैव साकारी रहें, साकारक भोजन से मन और विचार उत्तम होते हैं और जिस आदमी का मन और विचार उत्तम होंगे वो समाज, वो देश, वो संस्कृति हमेशा आगे बढ़ने का काम करते हैं। पांच विकार त्यागने की बात हो रही थी, उसके बारे में कुछ बताएंगे समाज के लोगों को? देखिए, जो भी पांच विकार है त्यागने की, चाहे वो मदिरा पान हो, चाहे वो गऊ मांस हो, चाहे मांसाहारी हो, हमें सबसे बड़ा है कि आज हमें गऊ सेवा करनी चाहिए। गऊ की सेवा से बहुत अच्छे पुण्य मिलने के साथ साथ कहते हैं कि मेडिकल में भी ये कहा गया है कि जिस भी आदमी को कैंसर की बीमारी हो अगर वो प्रत्येक दिन गऊशाला में जाके अगर गऊ की सेवा करता है, गऊ मूत्र का सेवन करता है, गऊ की पीठ पे हाथ फिराता है, वो भी कैंसर से मुक्त हो जाता है। तो हिंदुस्तान में और हिंदू संस्कृति में सबसे बड़ा अगर किसी को माना गया है तो गऊ माता को माना गया है और हम सबको गऊ माता की सेवा। कलश यात्रा को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत अच्छा संदेश जाता है। मैंने जैसे अभी अपने पिछले वक्तव्य में आपको बताया कि जिस तरह से हम यूरोपियन कंट्रियों की होड़ करते जा रहे हैं और आज उल्टा हो रहा है। अगर आप यूरोपियन देशों में जाएंगे वहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, राधा कृष्ण का जाप करते हैं, ओम शांति को मानते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कारण रहे हैं कि जो हमारा युवा आज पश्चिम सभ्यता को अब अडॉप्ट कर रहा है और पश्चिम वाले हमारी सभ्यता को, तो मैं तो तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इसका कारण अपना शिक्षा मान सकते हैं जो पश्चिमी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं? हाँ, बहुत बड़ा कारण है, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि जिस तरह से हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जिस तरह से उसका मॉडर्नाइजेशन किया गया है, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियाँ ज़रूर रही है, उसी का एक सबसे बड़ा कारण है। इसको दे दीजिए ना, ये पकड़ लेना भाई साहब, ये पकड़ ले, वीडियो बना ले। कौन है ना? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसटी न्यूज़ और आज कलश यात्रा जो कापाछेड़ा से निकाली गई वो सूर्य बिहार मौजूद है। दीदी, क्या कहेंगे इसके बारे में, समाज को क्या संदेश देंगे आप? ओम शांति। जैसे कलश जो है एक जिम्मेदारी का सूचक है, तो ये जो कलश यात्रा है और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमको एक वक्तव्य में कहा कि आज समाज को ये बताओ उनकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं, तो ये कलश यात्रा और झंडे ये दर्शा रहे हैं कि हमें अपने अपने जो भी जिम्मेदारियाँ टूवर्ड्स माई सेल्फ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, हम अपनी जिम्मेदारियों को पहले अच्छी तरह से निहारें और उसको अच्छी तरह से हम ओबे कर पाएँ। और मैं समझती हूँ अपने रीति से तो सब कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर जो कुछ कमियाँ कमजोरियाँ हैं, जो आज शिवरात्रि वाले दिन हम सबको बताएँगे कि ये जो रात्रि है ये हमारी कमियों और कमज़ोरियों का ही सूचक है, और अगर हम इन कमियों और कमज़ोरियों को छोड़ेंगे तभी ये सच्ची सच्ची शिवरात्रि है। और हम सबको याद है शिवरात्रि वाले दिन हम फास्ट भी ज़रूर रखते हैं, तो हम रोटी खाने का फास्ट रखते हैं। तो आज हम ये संदेश भी देना चाहेंगे कि शिवरात्रि तो हमारे शिव परमात्मा का आइदर वी से कि वो उनका जन्मदिन है या हम कहते हैं उनका विवाह दिन है, तो दोनों ही दिनों पर तो हम अच्छी अच्छी पार्टीज़ करते हैं। तो भगवान हमसे ये उम्मीद करते हैं, खाना तो हम ज़रूर खाएँ जो शरीर को सूट करता है, और लेकिन हम बुराइयां जो हैं जो हमारे जीवन को सफल होने में एक बहुत बड़ा बाधक है ना, विभिन्न प्रकार के व्यसन,
या बुरी आदतें जैसे लेट उठना, सोशल मीडिया पर सदा बने रहना, सोशल मीडिया की जो पॉजिटिव बातें हैं उनको तो हम जीवन में ले लें, लेकिन हर वक्त ही बच्चे इसी सोशल मीडिया में रह कर के अपने अमूल्य समय को उसमें बर्बाद ना करें। यही रात्रि को ख़त्म करने का जो शिवरात्रि है वो हमको संदेश दे रही है कि अपनी अपनी रात्रि को, अपने अपने अंधेरों को, अपनी अपनी बुराइयों को हम खत्म करके जीवन को रोशन बनाएं, तभी हमारा जीवन सफल होगा। दीदी आप क्या कहें? हमारी ये शोभा यात्रा यही मैसेज दे रही है, जो माननीय मोदी जी का भी एम है कि पूरे भारत को, पूरे विश्व को हमें स्वच्छ बनाना है, तो उससे पहले हमारी शांति यात्रा यही मैसेज दे रही है कि जो भी हमारे अंदर की बुराइयां हैं, विकार हैं, पहले उनको हमें ख़त्म करना है, अपने मन के मैल को साफ करना है, तभी हम संसार को और समाज को साफ सुथरा रख सकते अभी हैं। कलश यात्रा में हम चल रहे थे तो पांच विकारों की बात हो रही थी। हाँ जी, ये पांच विकार ही ये भ्रष्टाचार का कारण बनता है, जो आज लड़ाई झगड़ा कलेश का कारण बनता है, जिससे बहुत ब्रेकअप हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, सुसाइड हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो जब पाँच विकार ख़त्म हो जाएंगे तो हमारी ये दुनिया स्वर्ग बन जाएगी, भारत भूमि देव भूमि बन जाएगी। इसी यात्रा का यही लक्ष्य है कि हम हर एक को अपने अपने अंदर के विकारों को ख़त्म करना है, स्वयं का परिवर्तन करने से ही पूरे विश्व का परिवर्तन होगा। जैसा कि दर्शकों आप देख रहे हैं, शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ओम शांति ओम की तरफ से एक शोभा यात्रा कलश की निकाली गई, जो दिल्ली कापाछड़ा शुरू होकर हरियाणा ढूंढेड़ा और सूर्य विहार होते हुए बॉर्डर पर मौजूद है। AST न्यूज़ के लिए मनोज कुमार, धन्यवाद। नहीं, मैं आपका स्वागत ले लो, मैं करूँगा आपका जी। मनोज भाई आ गया, हाँ जी भाई यहीं रहे बहुत दिन के बाद नजर आए। हाँ राहुल जी, हमारा मैं अभी आ रहा हूँ, दस मिनट। हाँ इतना आ जाओ, कल हम लोगों को बता दो। एक मिनट, चलो सहयोग तो आपके है ना, आपके सहयोग के बिना, आपके सहयोग के बिना तो थोड़ी होता है। नमस्कार, आप AST न्यूज़ के साथ जुड़े हुए हैं और जैसा कि शोभा यात्रा कलश की निकल रही थी, सुनील राव सर आपका स्वागत है। सुनील राव जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ब्रह्म कुमारी जो ये ट्रस्ट है, अच्छा, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये एक संदेश दे रहे हैं आपसी प्रेम भाव का, मतलब सब आत्मा, सब धर्म, सब जात एक है, आपस में प्रेम से रहो और प्रेम ही सबसे बड़ा संदेश है, और जितना हो सके अहंकार और ये सब त्याग दो, क्रोध वगैरह, जितना ज़्यादा हो सके प्रेम भाव से रहो, बस यही संदेश मैं देना चाहता हूँ।
जैसे कि ढुंढेड़ा गांव में भी पूरी अभी हमारी कलश यात्रा निकली है, इससे क्या संदेश जाएगा गांव से? भाई कलश यात्रा से जुड़ रहे हैं, हमारे वहां भी एक छोटी गीता पाठशाला खुली हुई है मेरे घर पे ही वहां पे, तो हम भी चाह रहे हैं कि लोगों को संदेश मिले, अहंकार छोड़े, जात पात को भूल के सब एक साथ रहें, प्रेम से रहें, ठीक है, ये कुछ नहीं छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, सब बराबर है, ठीक है। आज शिवरात्रि का पर्व भी है। हाँ शिवरात्रि का पर्व, शिवरात्रि के पर्व के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि शिवरात्रि जो शिव भगवान एक साधना के बहुत बड़े प्रतीक थे, उसका मतलब ये नहीं है कि भाई व्रत, व्रत का मतलब तुम उन चीज़ों को त्याग करो, अहंकार का, क्रोध का, मोह का, लालच, इन सब का त्याग करो। सतीश जी, शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में कोई संदेश आपकी तरफ से? मैं शोभा यात्रा के उपलक्ष्य में यही कहना चाहूँगा कि सब प्रेम भाव से रहें जी, आपस में एकता बनाए रखें और पांचों विकारों को त्याग दें, जिससे समाज में, देश में शांति का भाव आए और आगे भी शांति बनी रहे। इस यात्रा से हम कह सकते हैं नशा मुक्ति की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है, आपके क्या विचार रहेंगे नशे के बारे में? ऐसा है कि देखो जिस तरह से नशे के उसमें लोग बाग जुड़ रहे हैं, बच्चे जुड़ रहे हैं, उसके लिए हम भी प्रयास करें, आप भी बहुत प्रयास करते हो कि इस बारे में गांव में कि भाई इस तरह से दूर हो, हम लोगों से बताते हैं कि भाई अपने बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है नौकरी करना भी ज़रूरी है लेकिन अपना जो मेन पूंजी बच्चे होते हैं उनके लिए आप लोग ध्यान दो कि भाई वो गलत संगत में ना पड़े, और यही विचार ओम शांति के उससे भी दिया जा रहा है कि भाई गलत जो नशे वगैरह से आप दूर रहो, अच्छा खान पान करो और सुख शांति से देश में रहो, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे थे कलश यात्रा अभी सूर्य विहार के मौजूद है और संदेश बीच बीच में आप तक पहुंच रहे हैं। एएसटी न्यूज़ के लिए मनोज कुमार। थैंक यू भाई।